ये 761 मॉडल में है, सात वाली 761 मॉडल है, सात वाली भी 761 मॉडल है। तो खान भाई इसकी प्राइस के हवाले से बात की जाए तो ये ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका दोस्त अली रज़ा और आप देख रहे हैं मार्केट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम फिर मौजूद हैं मार्केट में, दुकान का नाम है उस अहमद मशीनरी और मेरे साथ मौजूद हैं साजिद भाई। तो हम आपको मशीनों के रेट के बारे में बताएंगे और जो नंबर है वो वीडियो में मेंशन कर दिया गया है, जिस भाई ने लेनी हो वो नंबर पे रابطہ करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर करते रहिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। वाले सलाम जी। खान भाई क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। सबसे पहले तो आप हमें बताएं आपके पास क्या क्या जैपनीज वैरायटी में क्या क्या चीज़ जो है अवेलेबल है? मेरे पास जैपनीज सिलाई मशीन अवेलेबल है, काज मशीन अवेलेबल है, ओवरलॉक की, बाकी भी काफ़ी मशीन। ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ इनके पास जो है ब्रांड वो जैपनीज ही है, जैपनीज ब्रांड जो है इनके पास बहुत ज़्यादा है। चले आएँ आपको दिखाते हैं चंद मशीनें और उनके रेट के बारे में बताते हैं जी। सबसे पहले ये है जी छोटी अम्ब्रेला ब्रदर मशीन। ब्रदर मशीन जी, छोटी सिलाई मशीन को कहते हैं, ये बगैर आयल वाली होती हैं। ठीक हो गया। ये जापान इम्पोर्ट की होती हैं। ठीक है। ये आपको हेड मिलेगा 35,000 रुपये का। ठीक हो गया। ओरिजिनल जापान इम्पोर्ट की। ठीक है जी। इसके अलावा ये है जो कि जापानी 5550 ओरिजिनल न्यू है, 0 मीटर। ये पिन बैग, ये बिल्कुल पिन बैग है जी, बिल्कुल पिन बैग है। ये न्यू नहीं आती पाकिस्तान में, लेकिन ये लाड में आई हैं। ठीक है। और इसके अलावा? इसके अलावा ये ब्रदर मशीन है, ब्रदर जापानी 755 मॉडल है, जापान लाड की। जापान लाड की जी। तो ये खाली हेड जो है वो कितने का मिलेगा? ये हेड अमल चीन जो है वो कितने की मिलेगी? ये हेड 35 का मिलेगा और कम्प्लीट जो है 50 की मिलेगी, 50,000 की। इसके अलावा? इसके अलावा ये हैं जो कि 5550 मॉडल, इसी मॉडल है यूज़ में, ये न्यू है और ये यूज़ में है। अच्छा जी। ये सिलाई के लिए है, दर्जी हजरात यूज़ करें, बुटीक में इस्तेमाल करें, ये ओरिजिनल जापानी है। तो ये शटल बड़े शटल वाले हैं, छोटे शटल वाले हैं? छोटे शटल में। नाज़रीन को बता दें छोटे शटल में है और नॉर्मल काम के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो बड़े शटल वाली मशीनें हैं वो कौन सी हैं? बड़े शटल में मेरे पास ये पड़ी हुई है मित्सुबिशी, जिसके आप पोशिश के काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ना तंबू तरपाल वगैरह जिसके ऊपर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इजी इस्तेमाल कर सकते हैं, बैग बस्ते के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये जापान लाटकी है। ठीक हो गया। ओरिजिनल कंडीशन में। तो इसके अलावा? इसके अलावा मेरे पास एज कटर मशीनें हैं, डबल निडल है, ये जिगजैग में है, 20U सिंगर कंपनी की, ये भी चल जाएंगी। ठीक है जी। इसके अलावा? इसके अलावा मेरे पास काफ़ी मशीनें हैं बटन की, ये चैन लाक की मशीनें हैं मेरे पास, बाइंडिंग मशीनें हैं मेरे पास। अच्छा खान भाई, अगर कोई अपना यूनिट स्टार्ट करना चाहता हो डेनिम लेवाइस बैग वगैरह तंबू वगैरह का, तो क्या आपके पास जैपनीज मशीन सारी अवेलेबल है? जी बिल्कुल अवेलेबल है, अवेलेबल है और अच्छे रेट में अच्छी कंडीशन में मशीनें मिल जाएंगी। ठीक हो गया जी। तो और ये देखें, ये भाई के पास ओवरलॉक जो है वो चाइना का ब्रांड भी है और जैपनीज ब्रांड भी है, वो आपको दिखाते हैं जी। ये M700, ये M700 ओरिजिनल है, पेगासस की, ये बॉडी पंच है जी। ठीक हो गया। और इसके अलावा जो चाइना में भी M700 मेरे पास पड़ी हुई है, चाइना M700 है, ये डेक ड्राइव में है, डेक ड्राइव में है, फिक्स मोटर वाली, और ये अलग मोटर वाली है। ठीक हो गया जी। तो इसकी प्राइस के वाले से बात की जाए तो ये 45 की मिल जाएगी, वो 40 की मिल जाएगी। ठीक हो गया जी। और इसके अलावा 747 में? 747 मॉडल में ये पड़ी हुई है, ये 747 मॉडल है, ओरिजिनल इम्पोर्ट की, लोकल इस्तेमाल में नहीं है और ओरिजिनल कंडीशन में। ठीक हो गया। ये इसमें आपको डायरेक्ट ड्राइव मिल जाएगी, फिक्स मोटर में है, ये ऊपर पड़ी हुई है, साथ में जैक कंपनी की है, डायरेक्ट ड्राइव, और ये मैनुअल मोटर वाली है, अलग मोटर सर्वो मोटर के साथ दोनों। ठीक हो गया जी। तो ये 40,000 की कम्प्लीट मिल जाएगी और वो 36 की मिल जाएगी कम्प्लीट। तो अगर भाई कोई खाली हेड बाय करना चाहता हो, खाली हेड खरीदना चाहता हो, तो हेड की प्राइस क्या होगी? 747 का खाली हेड ओरिजिनल कंडीशन में 25,000 का मिल जाएगा, बिल्कुल रेडी हालत में, ओरिजिनल कंडीशन में 25,000 जी, 25,000 का। तो अगर कोई हमारे यूट्यूब वीडियो देख के हमारे रेफरेंस से कोई आपसे मशीन बाय करने आता है तो क्या उसको कोई डिस्काउंट वगैरह भी मिलेगा? जी बिल्कुल ज़रूर, आपके चैनल के थ्रू कोई बंदा आएगा, आपकी ओनर है कि उनके लिए 1,000 का डिस्काउंट। ठीक है, 1,000 का डिस्काउंट मिलेगा। और इसके अलावा आपके पास क्या क्या मॉडल मौजूद है?
मेरे पास तमाम वैरायटी मौजूद हैं। ये काज मशीन है, ये आप यूनिट वगैरह के लिए इस्तेमाल करें या लोकल काम के लिए इस्तेमाल करें, बुटीक में चलाएं या अच्छा, दर्जी हजरात इसको अपनी दुकान में इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा खान भाई, 761 जो मॉडल है वो आपके पास मशीनरी अवेलेबल है? क्योंकि इसकी जो है ना दर्जी हजरात जो है वो बहुत इसकी डिमांड करते हैं, तो ये इसको बहुत लाइक करते हैं। 761 मॉडल, 761 मॉडल मेरे पास काफ़ी पड़ी हुई हैं। ये 761 मॉडल हैं, जर्मन ओरिजिनल जापानी, ठीक हो गया। ये पड़ी हुई हैं, ये जैसे आप अपने पीछे देख सकते हैं काफ़ी तादाद में मेरे पास पड़ी हुई हैं, बाहर डिस्प्ले पर लगी हुई हैं 761 मॉडल में। ये बाहर भी 3-4 पीस लगे हुए हैं। ये तो ये मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम जो है वो तैयार मशीन कितने की मिल जाएगी? ये 1,90,000 की कंप्लीट मिल जाएगी। 1,90,000 की वो सर्वो मोटर टेबल स्टैंड न्यू होगा इसका? जी बिल्कुल न्यू एक्सेसरी के साथ, कंप्लीट एक्सेसरीज और सर्वो मोटर के साथ। वो जो अंदर पड़ी हुई थी वो आपको 1,80,000 की मिल जाएगी। ठीक हो गया। और इसके अलावा? इसके अलावा मेरे पास जैपनीज ओवरलॉक हैं, ये आप देख सकते हैं कि जैपनीज ओवरलॉक है वो तमाम ऑल वैरायटी जो है वो मौजूद है। ये सारी एक जैसी नहीं है, इनके मॉडल में जो है वो फ़र्क है, सारे डिफरेंट है। तो खान भाई से पूछते हैं, चंद मॉडल की इंफॉर्मेशन लेते हैं और आपको प्राइस के वाले से भी बताते हैं। जी खान भाई, ये U52 मॉडल है, पेगासस कंपनी की, जापान लाटकी है, टोटल ओरिजिनल कंडीशन में है। इसके ऊपर आप हर किस्म का काम कर सकते हैं, पीको जितने किस्म की पीको पाकिस्तान में होती हैं वो सब के सब इसके ऊपर हो सकते हैं बिल्कुल इजीली, और इसके पार्ट्स मार्केट में बिल्कुल इजी अवेलेबल हैं। ये बहुत पायदार और अच्छी मशीन है। ठीक है, तो ये आप कंडीशन वाइज में देख सकते हैं, ये आपको मैं खोल के दिखाता चलूं। ये ओरिजिनल कंडीशन में है, ये आप खोल के इसके चेक कर सकते हैं, तमाम पार्ट्स उसके ओरिजिनल हैं और मेड इन जापान, इम्पोर्ट बाई जापान। इसकी मेड इन जापान की कोई स्टैंप लगी होती है कि बस? ये ओरिजिनल जापान की है, इसकी ये खासियत है कि इसके पुर्जे हर एक पुर्जे के ऊपर स्टैंप होता है, पार्ट नंबर और मेड पंच होते हैं इसके ऊपर। ठीक हो गया जी। इसके अलावा? इसके अलावा ये जापानी है, A52 मॉडल है, और ये भी तमाम किस्म के पीको कर सकती हैं, जितनी किस्म की पीको पाकिस्तान में होती हैं वो पीको और ओवरलॉक, 4-थ्रेड ओवरलॉक करें या 3-थ्रेड ओवरलॉक करें, दोनों कर सकती हैं बिल्कुल इजी। ठीक है जी। तो क्या आपके पास 5-थ्रेड जो है वो भी मशीन अवेलेबल है? मेरे पास इसी मॉडल में 5-थ्रेड अवेलेबल है। ये 5-थ्रेड ये पड़ी हुई है, ये 5-थ्रेड है, इसमें क्या आप 5-थ्रेड पर इस्तेमाल करें, 3-थ्रेड पर इस्तेमाल करें? 5-थ्रेड जो है वो किस इस्तेमाल में आती है ये भी हमारे नाज़रीन को बता दें। 5-थ्रेड है वो ज़्यादातर अमूमन फैक्ट्रियों में इस्तेमाल करते हैं, बच्चों के बचगाना सूट के ऊपर या शर्ट के ऊपर, क्योंकि ये 5 धागे एक सिलाई एक्स्ट्रा लगाती है ओवरलॉक के साथ, इसको सेफ्टी कहते हैं। एक धागा पक्का होता है, बाकी जो है 4 कच्चे होते हैं जी, ओवरलॉक करती हैं। ठीक हो गया। एक धागे की चेन बनती है। तो इसकी प्राइस के वाले से बात कीजिए तो खान भाई, इसकी प्राइस क्या है, खाली हेड की भी बता दें और जो पूरी लेनी चाहता हो तो पूरी की भी बता दें। ये हेड मिल जाएगा 40,000 का, और कंप्लीट अगर कोई लेना चाहता है वो 55 की मिल जाएगी कंप्लीट। ठीक हो गया जी। और इसके अलावा? इसके अलावा ये L52 मॉडल है, L32 मॉडल है। L52 और L32 में जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये A32 मॉडल है 5-थ्रेड, सेम L32 L52 के बाद आती है L32, ये 5-थ्रेड है, L52 4-थ्रेड है। ये इसके ऊपर आप 3-थ्रेड और 5-थ्रेड इस्तेमाल कर सकते हैं। L52 जो मॉडल है इसके ऊपर आप 3-थ्रेड 4-थ्रेड इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके ऊपर आप ओवरलॉक करें, हर किस्म की पीको कर सकते हैं इसके ऊपर। ठीक हो गया जी। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी तादाद में जो है वो जापानीज़ मशीनें अवेलेबल हैं। तो नंबर जो है वो वीडियो में दिया गया है, तो आप इससे रابطہ करें और इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं, और मशीन भी डिलीवरी की सहूलत भी मौजूद है। इसके बाद? इसके अलावा मेरे पास किंगरी मशीन है, बटन मशीन है, ये बटन है जो की इसका मॉडल नंबर 373 NS, नए मॉडल में है जो कि ओरिजिनल है। ठीक हो गया जी। तो इसकी प्राइस के वाले से बात की जाए तो ये हेड मिल जाएगा 35,000 का, और कंप्लीट अगर कोई लेना चाहे तो ये 50,000 की मिल जाएगी। तो इसके अलावा आपके पास क्या मशीन मौजूद है? इसके अलावा मेरे पास किंगरी की मशीनें हैं, क्रोएशिया पीको जिसको कहते हैं, ये मेरे पास अवेलेबल हैं क्रोएशिया कंसाइन कंपनी में। ये क्या क्या काम करती हैं, किस काम के लिए हैं? ये दुपट्टे के ऊपर तमाम किस्म के जो दुपट्टे हैं, या उसके ऊपर आप लेस लगवाना चाहते हैं या पीको करना चाहते हैं, ये इस साइड पे आप आगे इस मशीन की लोकेशन दिखा सकते हैं। ये कंसाइज स्पेशल की मशीन है किंगरी वाली, ये किंगरी पीको इजीली ये आप कर सकते हैं। कट वर्क जो है वो निकाल के दिखाएं पीछे से, ये इसके ऊपर सैंपल बना हुआ है, ये किंगरी करती है बटों को साइड पे, दुपट्टे के ऊपर किंगरी कर सकते हैं आप। तो मैक्सिमम इसकी जो है वो इसकी क्या प्राइस है? ये 1,00,000 से लेकर 1,30,000 तक मेरे पास अवेलेबल हैं।
ये और डिज़ाइन भी जिस पे बनते हैं, इस पे खाली किंगड़ी बनती है या और डिज़ाइन भी करती है ये? इसके ऊपर किंगड़ी बनती है, और इसके अलावा आप दर्जी जो चलाते हैं वो अपनी मर्ज़ी से कोई भी डिज़ाइन अगर वो बना सकते हैं तो वो ईज़िली बना सकते हैं। ठीक है, उनको अगर चलानी आती है तो वो इनके ऊपर काफ़ी किस्म के डिज़ाइन काफ़ी काम ले सकते हैं इससे। और इसके पीको के मुतालिक इसके अलावा मेरे पास सुरूबा किंगड़ी है, ये गोल्डन मिल किंगड़ी है, ये गोल्डन कंसाई है, ये भी कंसाई है, ये सेम कंसाई की कॉपी है, गोल्डन व्हील ताइवान की मशीन है ये। ठीक हो गया, इनका और कंसाई का काम सेम है, ये भी किंगरी मशीन है। ये मुख्तलिफ किस्म की किंगरी आप इसके ऊपर कर सकते हैं, डिज़ाइन आपकी मर्ज़ी का बन सकता है। ठीक हो, जो आप बनाना चाहें इससे आप बहुत ज़्यादा जो है ना वो काम ले सकते हैं, अगर किसी को ऑपरेट करनी आती हो तो। जी बिल्कुल। तो इसके अलावा और इसमें मेरे पास इसी मॉडल में किंगरी में ताइवान की है, सुरूबा किंगरी, सुरूबा ताइवान की जी, उसका भी काम यही सेम है, सुरूबा मॉडल लग उसमें। तो इनकी क्या प्राइस में डिफरेंट है या मॉडल में डिफरेंट है? बिल्कुल प्राइस में डिफरेंस है इसका। ठीक है, और इसके अलावा मेरे पास जुलूम की मशीनें होती हैं, जुलूम